तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। देखो देखो, नीट वालों के लिए मैं बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रखा हूँ नीट रैंक बूस्टर, ठीक ना। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरी कर रहा है at+vt जगह, और तो हमें टाइम डिपेंडेंट एंगल बिटवीन द कॉस अल्फा, टाइम डिपेंडेंट एंगल कॉस अल्फा बिटवीन एक्सलेशन और वेलोसिटी के बीच निकालना है। तो जब वेलोसिटी इतना दिया हुआ है, तो अब दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। तो चलो मान लेते हैं, अगर इधर वेलोसिटी वेक्टर है और इधर एक्सलेशन वेक्टर है, ठीक ना, मान लेते हैं चलो, और ये एंगल अल्फा है, तो हमें चाहिए कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा कैसे निकालेंगे। ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, ए डॉट की भी वैल्यू होती है ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी, ए बी कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब ए डॉट बी दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, वेलोसिटी और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये लॉजिक मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले वो दोनों वेक्टर निकालते हैं, एक्सलेशन और वेलोसिटी वेक्टर। तो सबसे पहले वेलोसिटी वेक्टर तो साफ दिया हुआ है, वेलोसिटी वेक्टर है ए आई कैप प्लस यहाँ से बी टी जे कैप, ये वाली। अब हमें एक्सलेशन चाहिए, तो एक्सलेशन वेक्टर में इस वेलोसिटी वेक्टर का एक बार डेरिवेटिव ले लेता हूँ बच्चों। तो एक बार इसका मैं डेरिवेटिव ले लूँ तो कितना बनेगा भाई, तो एक्स ये 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा बी जे कैप, ठीक ना। तो ये एक्सलेशन वेक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी जे कैप, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अगर इन दोनों का डॉट लोगे, ए डॉट बी लोगे, ठीक ना, तो ए डॉट बी कैसे लेते हैं, आई का आई, जे के का के। तो ए का आई 0 है तो ये 0, और इसका बी मतलब बी स्क्वायर टी, दैट इज बी स्क्वायर टी फाइनली इनका डॉट प्रोडक्ट है। और मैग्नीट्यूड अगर तुम देखोगे तो वी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वी का मैग्नीट्यूड वी वेक्टर मॉड, या इसको वी भी लिखते हैं, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर अंडर रूट, समझ में आ रहा। और एक्सलेशन ए वेक्टर का मॉड या ए वो आ जाएगा कितना भाई, एक्सलेशन बी। तो अब मैं इन सबको फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ अपने, तो हमें कॉस अल्फा दिखने लगेगा। तो अगर मैं इनको रखता हूँ, तो देखो इंक बदल लेता हूँ थोड़ा, तुम्हें फील आ जाएगा, सब तुम्हारे लिए ही करते हैं बच्चों। तो यहाँ से तुम करोगे कॉस अल्फा, बहुत मेहनत मैं करता हूँ बच्चों, बहुत हार्ड वर्क करता हूँ और वीडियो बनाता हूँ तुम्हारे लिए, तो आपका सपोर्ट और प्यार बना रहे। यहाँ से कॉस अल्फा तुम देखोगे तो ए डॉट बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मतलब ये आ जाएगा बी स्क्वायर टी ऊपर ए डॉट बी, नीचे ए और बी का मल्टीप्लाई, ए ये बी था और बी था ए स्क्वायर प्लस यहाँ बी स्क्वायर टी स्क्वायर अंडर रूट। तो एक बी ने एक बी को यहाँ से ख़त्म कर दिया, तो फाइनली जो सोल्यूशन बनेगा वो बी टी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर अंडर रूट। तो बी टी ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ से देखोगे तो बी टी ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी मतलब अंडर रूट। तो यहाँ से मतलब बी ऑप्शन अपना मैच कर जाता है, ये सारे गलत हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।